हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर ली थी तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो सम ऑफ द आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर्स प्रिंटर्स प्लॉटर्स स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स एट्सट्रा तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं आउटपुट डिवाइस मतलब कोई कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा किसमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो वो क्या वो फॉर्म टेक्स्ट भी हो सकती है ग्राफिक्स भी हो सकती है ऑडियो और वीडियो भी हो सकती है तो कुछ जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं मॉनिटर्स प्रिंटर्स प्लॉटर्स स्पीकर्स प्रोजेक्टर्स तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है मॉनिटर्स और प्रिंटर्स तो चलो हम सबसे पहले मॉनिटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मॉनिटर्स क्या होते हैं मॉनिटर्स मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ अरेक्टेंगुलर फॉर्म द शॉर्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स इट क्रिएट्स अ विजुअल डिस्प्ले बाय द यूज ऑफ विच यूजर्स कैन ब्यू प्रोसेस्ड डेटा मोनिटर्स कम इन बेरियस साइज एंड रेजोल्यूशंस मोनीटर्स आप लोगों ने देखे होंगे मोनिटर्स को कॉमनली विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है ये मेन आउटपुट डिवाइस है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की ये जो इमेजेस होती हैं ये टाइनी डॉट्स होते हैं जिनको पिक्सल्स बोलते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं उससे ये इमेजेस बनती हैं तो शार्पनेस जो इमेज की है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे मॉनिटर्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ेस में और अलग अलग रेजोल्यूशन में आती हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिंग स्क्रीन यूज फॉर मॉनिटर्स कौन कौन सी हैं एक है रे ट्यूब जिसे हम सी बोलते हैं और एक है फ्लैट पैनल डिस्प्ले तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन थी मॉनिटर्स की ये सारा थ्योरी पोर्शन है आगे हम देखेंगे रे ट्यूब जिसको बोलते हैं सी मॉनिटर इसके बारे में आप अपनी स्क्रीन पे एक मॉनिटर देख रहे हैं ये क्या है ये है मॉनिटर ये कौन सा सी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है The CRT display is made up of small picture elements called pixels. The smaller the pixels, the better the image clarity or resolution. It takes more than one illuminated pixel to form a whole character such as the letter E in the word help. A finite number of characters can be displayed on a screen at once. The screen can be divided into a series of character boxes फिक्स लोकेशन ऑन द स्क्रीन वियर अ स्टैंडर्ड करेक्टर कैन बी प्लेस्ड मोस्ट स्क्रीन आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग एटी करेक्टर्स ऑफ डेटा अर्जेंटली एंड 25 फाइव लाइन्स वर्टिकली तो ये थी सी आर टी ट्यूब मॉनिटर के बारे में तो इसमें ये सारा थ्योरी पोर्शन है एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ जो मोस्टली स्क्रीन होती हैं वो एट्टी करेक्टर्स डिस्प्ले करती है हॉर्जेंटली और ट्वेंटी फाइव लाइन्स वर्टिकली एट्टी करेक्टर्स हॉर्जेंटली मीन्स इस वे में ये देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे ये हॉर्जेंटली हो गया एट्टी करेक्टर्स और ऐसे ट्वेंटी फाइव लाइन्स वर्टिकली ऐसे अब हम देखेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ सी सबसे पहली है लार्ज इन साइज हाई पावर कंजप्शन उसके बाद हम चलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की तरफ ये आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं ये है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर फ्लैट पैनल स्क्रीन मेक यूज ऑफ ल्यूकर क्रिस्टल्स और प्लाज्मा टू प्रोड्यूस आउटपुट इसमें ल्यूकर क्रिस्टल या प्लाज्मा होते हैं जिससे आउटपुट प्रोड्यूस होती है लाइट इज पास द ल्यूक्ड क्रिस्टल इन ऑर्डर टू जनरेट पिक्सल्स The flat panel display refers to a class of video devices that have reduced volume, weight and power requirement in comparison to the CRT. तो ये डेफिनेशन सी है इनसे बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में है एक बार पढ़ेंगे आप आपको समझ आएंगी द फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइड इन टू कैटेगरीज ये दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया गया है इमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन अमिसिव डिस्प्ले ज आर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट जो लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती हैं वो अमीसिव डिस्प्लेस एग्जाम्पल देखिए इनकी प्लाज्मा पैनल एंड एल ई डी लाइटिंग डॉय उसके बाद है नॉन अमिशिट्स टू कन्वर्ट सन लाइट आर लाइट फ्राम सम अदर सोर्स इन टू ग्राफिक्स पैटर्न एग्जाम्पल है इसकी एलसीडी जिसे हम बोलते हैं लुक्ड क्रिस्टल डिवाइस तो ये हो गया हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर तो अब हम चलते हैं प्रिंटर्स की तरफ प्रिंटर इज इज एन आउटपुट डिवाइस टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इंपैक्ट प्रिंटर्स नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स सबसे पहले हम इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना इनमें आप सपोज कर लिए हैमर टाइप लगा होता है जब पिन लगी होती है तो हैमर जब स्ट्राइक करते हैं ना रिबन के ऊपर तो उससे क्या होता है जो आ, प्रिंटिंग शुरू होती है पेपर के ऊपर आगे देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट वेरी नॉइजी यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कास्ट देयर इज फिजिकल कंटेक्ट पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज इंपैक्ट प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स कौन से हैं ये हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करेक्टर प्रिंटर्स करेक्टर प्रिंटर्स द प्रिंटर्स प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम जो एक टाइम पे एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं वो हैं करेक्टर प्रिंटर्स दीज आर फर्दर डिंग टू टू टाइप्स आगे करेक्टर प्रिंटर्स की भी टू टाइप्स हैं डॉट मैट्रिक्स जिसे हम डी एम पी बोलते हैं ये आप देख रहे हैं पिक्चर एक ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये उसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर ये मैं आपको ऐसे थोड़ा सा थ्योरी थियो, पोर्शन है ये सारा थोड़ा सा ऐसे पढ़ देती हूँ in the market one of the most popular printer is dot matrix printer these printers are popular because of their ease of printing and economical price each character printed is in the form of pattern of dots and head consists of a matrix of pins of size 5 into 7 7 into 9 9 into 7 or 9 into 9 which comes out to form a character विच विच इज वाई इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइज बिटवीन 200 हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड करेक्टर पर सेकेंड इसकी स्पीड इतनी है 200 से 600 हंड्रेड पर सेकेंड एंड रेजोल्यूशन रेंज इज 72 टू टू थ्री सिक्सटी का फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच ये इसका रेजोल्यूशन है डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नॉर्मली कम इन टू 80 कॉलम प्रिंटर 80 कॉलम प्रिंटर एंड वन थर्टी टू कॉलम प्रिंटर डीएमपी कैन प्रिंट ओनली डीएमपी कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट डीएमपी कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग इन एप्लीकेशन लाइफ पेरोल एंड अकाउंटिंग एडवांटेजेस देखिए इसकी ये इनएक्सपेंसिव है वाइडली यूज है अदर लैंग्वेज करेक्टर्स कैन बी printed disadvantages देखिए स्लो स्पीड है और इसकी poor क्वालिटी है तो आगे हम चलेंगे डेजीबिल प्रिंटर की तरफ ये आप अपनी स्क्रीन पे एक फिगर देख रहे होंगे पिक्चर देख रहे हैं ये है डेजीबिल प्रिंटर हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड पिंस कोरेस्पोंडिंग टू कैरेक्टर्स आर लाइक पेटल्स ऑफ डेजी विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज फार बर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस दैट रिक्वायर अ फ्यू लेटर्स टू बी सेंट हियर एंड दियर विद वेरी नाइस क्वालिटी उसके बाद एडवांटेजेस देखिए इसकी मोर रेलिवल देन डीएमपी बेटर क्वालिटी फॉन्ट्स ऑफ करेक्टर कैन बी इजिली चेंज डिस देखिए स्लोअर देन डी एम पी नॉइजी है ये मोर एक्सपेंसिव देन डी एम पी

total tracks are equal to the size of the paper that is for a paper width of 132 characters drum will have 132 tracks a character set is imposed on the track different character sets available in the market are 48 character set 64 and 96 character set one rotation of drum prints one line drum printers are fast in speed एंड कैन प्रिंट थ्री हंड्रेड टू टू थाउजेंड लाइन्स पर मिनट ये देखिए इसकी स्पीड है थ्री हंड्रेड से लेकर टू थाउजेंड लाइन्स पर मिनट में ये प्रिंट कर सकते हैं एडवांटेजेस वेरी हाई स्पीड डिसडवांटेजेस देखिए वेरी एक्सपेंसिव करेक्टर्स फॉन्ट कैन नाट बी चेंज तो हम चलते हैं अब चेन प्रिंटर की तरफ चेन प्रिंटर इन ये देखिए आप एक पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ये है चेन प्रिंटर इन दिस प्रिंटर अ चेन ऑफ करेक्टर सेट इज यूज हैंड इट इज कॉल चेन प्रिंटर स्टैंडर्ड करेक्टर सेट में है इसकी करेक्टर फॉर्ड्स कैन ईजली बी चेंज डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज विद द सेम प्रिंटर डिसडवाटेजेस देखिए नॉइजी तो ये आप पिक्चर से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको ये है चेन प्रिंटर अब हम चलते हैं नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तरफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन ये करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं बिना रिबन को यूज किए हुए दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम ये टाइम पे पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं दस दे आर कॉल्ड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर्स दीज प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स ये दो टाइप्स के हैं लेजर प्रिंटर्स इंक जेट प्रिंटर्स अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर सबसे पहला है फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स दे आर नॉट नॉइजी हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स फ़ॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज अब हम पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर के बारे में लेजर प्रिंटर आप अपनी स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं ये है ये देखिए ये है लेज़र प्रिंटर लेजर प्रिंटर प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफ़िक्स प्रिंटिंग लेजर प्रिंटर्स प्रोसेस एंड स्टोर द इंटायर पेज बिफोर प्रिंटिंग एंड आर आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर्स कैन प्रिंट फाइव टू ट्वेंटी फोर टू टेक्स्ट पर मिनट एंड देयर रेजोल्यूशन रेंजेज फ्राम फोर हंड्रेड टू टू हंड्रेड डी पी आई डी पी आई पता है आपको डॉट पर इंच दे आर फास्टर एंड एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर्स आर यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई क्वालिटी वॉल्यूमिनियस प्रिंटिंग एडवांटेजेस देखिए वेरी हाई स्पीड वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट गुड ग्राफिक्स क्वालिटी स्पोर्ट्स मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट करेक्टर साइज उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखिए इसकी एक्सपेंसिव हैं कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंटिंग उसके बाद ये देखिए अब हम चलते हैं इंक जेट प्रिंटर्स की तरफ इंक जेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर्स बेस्ड ऑन अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी दे प्रिंट करैक्टर्स बाई स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू पेपर इंक जेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट बी प्रेजेंटेबल फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख सकते हैं ये हैं इंक जेट प्रिंटर्स दे मेक लेस नॉइस बिकॉज नो हैमरिंग इज डन एंड दीज है स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल सम मॉडल्स ऑफ इंक जेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो एडवांटेजेस देखिए इसकी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मोर लाइवल डिसएडवांटेजेस देखिए एक्सपेंसिव एज कॉस्ट पर पेज इज हाई सेकेंड है इसकी डिसएडवांटेज स्लो एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर्स तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा आज आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो इसमें हमने आपके जो सिलेबस में मेन थी वो था मॉनिटर्स और प्रिंटर्स का वो हमने पढ़ लिया ये मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन था आप एक दोबारा रीडिंग करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक ही रखते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट